नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द इन्फॉर्मेशन के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों, टीवी आजकल हर किसी की जरूरत बन गया है। हर किसी के घर में आपको टीवी जरूर देखने को मिलता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में पहली बार टीवी कब आया था? नहीं, चलिए हम बताते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र बी शिवकुमारन ने चेन्नई में हुए एक एग्जीबिशन में पहली बार टीवी को पेश किया था। यह एक कैथोड रे ट्यूब वाला टीवी था। हालांकि इसके जरिए ब्रॉडकास्ट नहीं किया गया, लेकिन इसे भारत की पहली टीवी के तौर पर पहचान मिली। भारत में पहला टेलीविजन कोलकाता की एक अमीर नियोगी फैमिली ने खरीदा था। भारत में टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 को दिल्ली से शुरू हुआ। अगर हम आपके सामने नाम ले दूरदर्शन का, तो आपके बचपन की ना जाने कितनी ही यादें ताजा हो जाएंगी, है ना दोस्तों? दोस्तों, दूरदर्शन के साथ ही भारत में पहली बार टीवी का प्रसारण हुआ था। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी, उस समय का प्रसारण हफ्ते में सिर्फ 3 दिन आधा आधा घंटे का होता था। और आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि पहले इसका नाम टेलीविजन इंडिया दिया गया था, लेकिन बाद में 1975 में इसका नाम बदलकर दूरदर्शन कर दिया गया था। इसके बाद भारत में कलर टीवी और राष्ट्रीय प्रसारण 1982 में शुरू हुआ। आजकल टीवी एक आम बात हो गई है। इसकी जगह हमें LED देखने को मिलती है, जिन्हें आप वाईफाई से कनेक्ट करके अपने मनपसंद फिल्म शोज आदि कभी कभी अपने मन के हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, पहले ऐसा नहीं था। शुरू में लोगों में कलर टीवी का इतना उत्साह देखने को मिला कि बाजार में टीवी की बिक्री ने कई रिकॉर्ड तोड़े। 1986 में शुरू हुए रामायण और महाभारत जैसे सीरियल्स को देखने के लिए लोगों में इतना उत्साह रहता था कि इस दौरान हर सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। कार्यक्रम शुरू होने के पहले ना सिर्फ लोग अपने घरों को साफ सुथरा करके अगरबत्ती और दीप जलाकर रामायण का इंतजार करते थे, बल्कि एपिसोड खत्म होने पर बकायदा प्रसाद भी बांटते थे। 90 के दशक में पहले कभी भारी भरकम डिब्बे के रूप में दिखने वाला टेलीविजन आज हमारे बोलने भर से ही चैनल को बदलने में सक्षम है। पहले तो दोस्तों इसका रिमोट भी नहीं था। टीवी के जिस रिमोट का एक बटन दबाते ही टीवी चालू हो जाता है, उस रिमोट कंट्रोल का आविष्कार यूजिन पोली ने किया था। दोस्तों, रेडियो का दौर अपने चरम पर था और उस बीच टीवी के बारे में सोचना और उसका निर्माण करना एक अलग चीज उभर कर सामने आई थी। शुरुआत में टीवी का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड द्वारा ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 1925 में किया था। उन्होंने एक प्रेजेंटेशन के तौर पर इसका टेस्ट किया था। हालांकि 2 साल बाद यानी 1927 में फिलो फार्न्सवर्थ नामक व्यक्ति ने वर्किंग टीवी का आविष्कार किया था और 1 सितंबर 1928 में इसे प्रेस के सामने प्रस्तुत किया था। टीवी का आविष्कार केवल यही नहीं रुका। 1928 में बेयर्ड ने कलर टेलीविजन बनाया और दुनिया को रंगों भरी एक सौगात दे दी, जिसने देखते ही देखते लोगों को अपना कायल बना लिया। मार्च 1954 में वेंस्टिग हाउस ने पहला कलर टीवी सेट बनाया। शुरुआती तौर पर इसके सिर्फ 500 यूनिट ही बनाए गए थे। उस समय इसकी कीमत करीब 6,200 रुपए थी, यानी कि कह सकते हैं कि उस समय यह आम लोगों की पहुंच से बाहर थी। इसके कुछ समय पहले अमेरिकन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी RCA ने कलर टीवी CT100 को पेश किया। कीमत लगभग 5,000 रुपए थी। कंपनी ने इसके 4,000 यूनिट तैयार किए थे। इसके बाद अमेरिकन कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपना 15 इंच का कलर टीवी पेश किया, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपए थी। धीरे धीरे करके इसमें एक और परिवर्तन किए जाने की कोशिश होने लगी और फिर साल 1950 में हमें पहली बार तार से जुड़ा एक टीवी का रिमोट भी देखने को मिल गया, जिसने टीवी पर चैनल बदलना या आवाज को कम ज्यादा करने को थोड़ा आसान बना दिया। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। तार से जुड़े रिमोट के आने के बाद वायरलेस रिमोट बनाने की होड़ सी लग गई और फिर साल 1955 में पहली बार टीवी का वायरलेस रिमोट भी देखने को मिल गया। इसी साल ये भी खबर आई कि लगभग 7 करोड़ भारतीयों के घर में टीवी मेहमान बन के अपनी जगह बना चुका है। दोस्तों, टीवी का आविष्कार किसी एक इंसान की सोच का नतीजा नहीं है, बल्कि इसमें कई लोगों का दिमाग शामिल है, जैसे पोल निपको, बोरिस रोसिंग, व्लादिमीर जोरकिन, जॉन लोगी बेयर्ड, फिलो फार्न्सवर्थ, चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस और विलियम बेल। लेकिन फिर भी टेलीविजन का जनक जॉन लोगी बेयर्ड ही जाने जाते हैं, क्योंकि ये उन्हीं का दिमाग था जो ये सोच पाया कि ऐसा कुछ बना पाना भी संभव है, और उनकी इसी सोच ने दुनिया को इतनी बड़ी सौगात दे दी। टेलीविजन के आविष्कारक जॉन लोगी बेयर्ड बचपन में अक्सर बीमार रहने के कारण स्कूल नहीं जा पाते थे। 13 अगस्त 1988 को स्कॉटलैंड में जन्मे बेयर्ड का टेलीफोन से इतना लगाव था कि 12 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना टेलीविजन विकसित किया।
बेयर्ड सोचते थे कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब लोग हवा के माध्यम से तस्वीरें भेज सकेंगे। बेयर्ड ने 1924 में बक्से, बिस्किट के टीन, सिलाई की सुई, कार्ड और बिजली के पंखे से मोटर का इस्तेमाल कर पहला टेलीविजन बनाया था। दोस्तों, रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑफिशियल पहला टेलीविजन साल 1928 में आया था और इसे ऑक्टागोन टेलीविजन नाम दिया गया था। इसे एक मोटर रोटेटिंग डिस्क और नियोन वायर की मदद से बनाया गया था और उसी की वजह से टेलीविजन पर फिल्म चलती हुई दिखाई देती थी। हालांकि इसकी वीडियो क्वालिटी काफी खराब थी। इसके बाद साल 1940 में फाद टेलीविजन आया, जिसमें थोड़े और बदलाव किए गए और पिक्चर क्वालिटी को अच्छा बनाया गया। कलर टीवी के आविष्कार के बाद भी टीवी में बदलाव किए गए, जिससे कि वीडियो क्वालिटी और साउंड क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सके। साल 1970 में आए मैग्नावॉक्स टेलीविजन ने टेलीविजन को अलग पहचान दे दी। लोगों में तब तक इसका बहुत क्रेज बढ़ गया। इसके बाद आए सोनी और फिलिप्स के एलईडी टेलीविजन, जिनमें पिक्चर क्वालिटी बेहद गजब थी। आपको बता दें कि दुनिया का पहला फ्लैट टेलीविजन अमेरिका में $15,000 की बड़ी कीमत पर बेचा गया था। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि लोग इस चीज के पीछे किस हद तक पागल थे। चलिए आपको बताते हैं प्रसारण के बारे में। 5 जुलाई 1954 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन बीबीसी ने पहली बार टेलीविजन पर डेली न्यूज बुलेटिन का प्रसारण किया। उस दौरान टीवी पर एंकर की बजाय सिर्फ फोटो और नक्शे ही दिखाई देते थे। तर्क यह था कि न्यूज एंकर का चेहरा देखने से समाचार जैसी गंभीर चीज से लोग का ध्यान भटकता है। उस समय 20 मिनट के इस न्यूज बुलेटिन को रिचर्ड बैकर ने पढ़ा था। हालांकि इसके 3 साल बाद उन्हें स्क्रीन पर देखने को मौका मिला था। वही दुनिया का पहला विज्ञापन 1 जुलाई 1941 को अमेरिका में प्रसारित किया गया। यह विज्ञापन घड़ी बनाने वाली कंपनी बुलोवा ने दिया था। इसे एक बेसबॉल मैच के पहले WNBT चैनल पर प्रसारित किया गया था। 10 सेकंड की इस विज्ञापन के लिए घड़ी कंपनी ने $9 का भुगतान किया था। इस विज्ञापन में बुलोवा कंपनी की घड़ी को अमेरिका के मैप के साथ रखकर दिखाया गया था। मैप पर रखी इस दीवार घड़ी की तस्वीर के साथ कंपनी का स्लोगन अमेरिका रन्स फॉर बुलोवा टाइम की आवाज दी गई थी। धीरे धीरे टेलीविजन की दुनिया में और भी ना जाने कितने ही परिवर्तन होते चले गए और ये टेलीविजन से LCD और फिर LED में बदल गया। अब तो OLED टेलीविजन का दौर शुरू हो गया है, जिसकी स्क्रीन इतनी बड़ी है जितनी आपकी दीवार। लोगों में इसका भी काफी क्रेज है। टेलीविजन का आविष्कार सिर्फ यही खत्म नहीं होता दोस्तों। आने वाले समय में आप ऐसी स्क्रीन भी देखेंगे जिसमें आप अपने पसंदीदा चीजों को महसूस भी कर सकेंगे और देख भी सकेंगे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। जाने से पहले अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।